तुम चर्च के अंदर इसलिए आए हो ताकि तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाए कि जब तुम मरो दफना दिए जाओ. दैट इज नॉट द रीजन फॉर यू टू बी इन द चर्च. हम चर्च में आए हमारे लड़के या लड़की के लिए कोई मैच मिल जाए, शादी हो जाए. दैट्स नॉट द रीजन फॉर यू टू बी इन द चर्च. हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, यहां पर से हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा. दैट्स नॉट द रीजन फॉर यू टू बी इन द चर्च. हमारे यहां पर काम बन जाते हैं, इतने लोगों से मुलाकात हो जाती है, यहां पर पेंटर भी मिल जाएगा, चर्च में एक पेंटर भी है, डॉक्टर भी मिल जाएगा यहां से थोड़ा. दैट्स नॉट द रीजन फॉर यू टू बी इन द चर्च. आपका चर्च में रहने का सिर्फ एकमात्र रीजन होना चाहिए और वो ये कि मैं यहां पर प्रार्थना करूंगा, मैं यहां आराधना करूंगा, मैं अपने खुदा के सामने झुक जाऊंगा और मैं उसे इज्जत दूंगा. और खुदावन यीशु मसीह कह रहा है ये तीन जाम जो तुमने चर्च के अंदर लगा रखा है ये सिर्फ पत्ते हैं, मुझे फ्रूट्स चाहिए. अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर आपके जीवन में कलाम पढ़ना नहीं है, आपके जीवन में किसी के पास जाके उसे बचाना नहीं है, तो आपके गीत गाने का क्या फायदा? यह पत्ता है. आपके गिटार बजाने का क्या फायदा? यह पत्ता है. इफ योर लाइफ इज नॉट बीन प्रिपेयर. ये सब तीन झाम है. यीशु मसीह को पत्तों से प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह को इस तीन झाम से प्रॉब्लम नहीं है. यीशु मसीह को प्रॉब्लम तब है जब खाली पत्ते ही पत्ते हो और फल कुछ ना हो. चर्च में तुम आते हो, अपनी बच्ची की शादी कराना मांगो, बेटे की शादी कराना मांगो, बच्चे का एडमिशन कराना मांगो, तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, यहां पर दफनाने के लिए थोड़ा आराम हो जाए, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चीजें मिल जाए, यहां पर तुम्हें ये फैसिलिटी मिल जाए, ये सब अच्छा है. मेन चीज ये होनी चाहिए थी कि तुम परमेश्वर के भवन में आओ और वहां पर प्रार्थनाएं करो. तुम परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर की हुजूरी के लिए आओ. तुम परमेश्वर के भवन में आओ, तुम्हारे दिमाग में और कोई मोटिव ना रहे, सिर्फ एक मोटिव रहे, आई वांट टू सर्व द लॉर्ड.